हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश सर अपना यूट्यूब चैनल दिनेश सर डेल्टा में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी फलन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। आज का मेरा यही टॉपिक है, डिफरेंशिएशन कैसे करें। आइए समझिए, यहां पे ये जो चैप्टर है क्लास 12th के मैथ में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए जानते हैं कि कैसे किसी फलन का डिफरेंशिएशन करें। कोई भी फलन दिया हो उसका डिफरेंशिएशन किसी ना किसी फलन के किसी न किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किया जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन को हम dy by dx लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या, ये y जो है कोई फलन है यानी फंक्शन है, और यहाँ पे जो x है ना, x के रेस्पेक्ट में किया जाता है यानी इसके सापेक्ष किया जाता है। कोई भी फलन का डिफरेंशिएशन किसी न किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही किया जाता है। जैसे आइए हम समझते हैं, कोई फलन x है, x दिया है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले इसको y बराबर मान लो, मान लिए। अब क्या लिखते हो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब चूंकि इतना बड़ा सेंटेंस है, वाक्य है, इतना बड़ा लिख रहे हैं, और इसको अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, DIWF, डिफरेंशिएशन को शॉर्टकट में DIWF, विथ को W, रेस्पेक्ट को R, और टू को T, X को X, यानी इसका पूरा नाम डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू X, शॉर्टकट तरीका है, जल्दी लिखने का तरीका है। और हम बताएं dy by dx, डी यहाँ पे क्या, डी बाई डी एक्स लिख दिए, जिसका डिफरेंशिएशन करना हो इसको यहाँ पे, तो y है तो y बराबर d, किसका करना है भाई, x का, तो यहाँ पे x बट्टा dx। फॉर्मूला होता है कि x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में 1 होता है, यानी इसका आंसर यही हो गया। यानी हम लोग जान गए कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। जैसे एक फॉर्मूला है d x के पावर n बटा dx, यानी हम लोगों को x के पावर n का डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? नियम कहता है कि जो पावर है उसको साइड में कर दो, पावर को कहाँ, साइड में, और फिर पावर में कितना घटा दो, एक घटा दो, यानी पावर साइड में, पावर में एक कम। देखिए एक क्वेश्चन, इस पर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि एक क्वेश्चन है x के पावर 8, इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। कैसे करोगे? तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग y बराबर मान लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो वही बात, शॉर्टकट तरीका इसका WWF WRTX इन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब dy बटा dx यहाँ पे क्या हो जाएगा, d x के पावर 8 बटा dx। नियम कहता है पावर कहाँ, साइड में, पावर में कितना कम, एक कम, 8 में एक कम करोगे भाई 7, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी टाइप से और क्वेश्चन आ जाए, जैसे x के पावर 250 आ जाए, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको y बराबर मान लो x के पावर 250, अब लिख दो DIWF WRTX यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स, इसका क्या होगा, d 250 बटा dx। नियम वही है, पावर कहाँ, साइड में, अब ये पावर साइड में हो गया, अब वेरिएबल को लिख दो और इसमें एक कम कर दो, तो एक कम करो कितना होगा, 249। इसी टाइप के एक दूसरा एग्जांपल, यदि इस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट राशि जुट जाए उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। जैसे 7x के पावर 4 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। कैसे करोगे? सबसे पहले मानेंगे, इसको y बराबर मान लिए, अब जो मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, आइए करते हैं, y का क्या होगा, dy बाई dx, और यहाँ पे d 7x के पावर 4 बटा dx। यदि किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट राशि गुणित हो तो डिफरेंशिएशन करते समय क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, तो 7 आपका आ जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा, dx के पावर 4 बटा dx। अब नियम तो आप लोग को याद है, पावर कहाँ, साइड में, पावर में कितना कम, एक कम, 4 में कम करोगे भाई 3, अब गुणा कर दो, 7 चौके कितना होता है, 28 होता है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए, ये तो आप लोग जान गए कि किसी फलन का डिफरेंशिएशन कैसे करें। यदि और इसमें और भी बहुत से फॉर्मूला है उसको भी हम लोग जानेंगे। आइए बारी बारी से जानते हैं
यदि दो फंक्शन जोड़ के रूप में आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करें, या दो फंक्शन घटाव के रूप में आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, ये भी जानेंगे। उसके बाद से और कुछ फार्मूला है, पहले मैं फार्मूला लिखते जा रहा हूँ और आगे बताते जा रहा हूँ। कैसे दूसरा फार्मूला, सॉरी दो तो हो गया है, तीसरा फार्मूला, ई के पावर एक्स कोई फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होता है ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। चौथा फार्मूला, अगर आपका लॉग एक्स आ जाता है तो उसका आप लोग डिफरेंशिएशन कैसे कीजिएगा, तो लॉग एक्स का होता है 1/x। पांचवा फार्मूला, यदि कोई फंक्शन आ गया जैसे त्रिकोणमितीय फंक्शन है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का होता है कॉस एक्स। अगर कॉस का डिफरेंशिएशन करना हो तो कॉस का डिफरेंशिएशन आप कैसे कीजिएगा, देखिए जिसका डिफरेंशिएशन सी से शुरू होता है उसका रिजल्ट माइनस में आता है, तो इसका सी से शुरू है तो माइनस में, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। अब आइए कॉस के बाद क्या टेन, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन के बाद क्या कॉट, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए फिर यहाँ पे सी से शुरू है तो माइनस लग जाएगा, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब आइए तो हम लोग जानेंगे सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इसके बाद लास्ट कोसेक एक्स का क्या होता है, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, देखिए सी से शुरू है ना, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। अब हमने बताया कि कोई दो को फंक्शन आ जाए और उसका हम लोग कोई दो को फंक्शन जोड़ के रूप में आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि दो को फंक्शन एगो यू है एगो वी है, ये दोनों जोड़ के रूप में है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो तरीका बहुत आसान, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दीजिए, बस हो तो गया, सोचना ही नहीं है। अगर यही घटाव के रूप में हो तो क्या करेंगे, u माइनस v के रूप में है दोनों को अलग अलग कर देंगे, एक बार u का डिफरेंशिएशन कर देंगे और एक बार v का कर देंगे। यदि ये गुणा में हो तो उसके लिए थोड़ा सा टफ होता है, कैसे करेंगे, हाँ तो देखिए पहले वाला स्थिर u इंटू v का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पहले वाला स्थिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरा वाला स्थिर इंटू पहला वाला का डिफरेंशिएशन। यदि कोई फंक्शन बट्टा में आ जाए, भाग में आ जाए, u बट्टा v के रूप में आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, तो नियम कहता है कि सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर, अब नीचे वाले को स्थिर करो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस का चिन्ह, ऊपर वाले को स्थिर करो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, यही तो फार्मूला है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दो वो फलन है उसका हम लोग योग के रूप में डिफरेंशिएशन कैसे करें। हम लोग जानेंगे जैसे कि कोई दो वो फंक्शन जैसे एक्स के पावर आठ है और प्लस लॉग एक्स है, दो फंक्शन एक साथ है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करें, तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, वाई बराबर मान लेंगे, मान लिए अब हम लोग शॉर्टकट तरीका क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू एफ एंड डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी ये जो फंक्शन है इसको लिखेंगे और बटा में क्या डी एक्स। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एक घर में दो आदमी है ना, दोनों का अलग अलग कर देंगे डिफरेंशिएशन, काम खत्म, एक बार इसका डिफरेंशिएशन जी और एक बार इसका करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नियम याद है ना, एक्स के पावर एन का क्या होता है पावर कहाँ साइड में, और पावर भी कितना कम करोगे एक कम करोगे, आठ में से एक गया सात, यहाँ पे देखो लॉग एक्स का क्या होता है भाई 1/x होता है, और यही क्या हुआ आंसर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग चैन रूल पर फोकस करें, ये चैन रूल क्या होता है, चैन रूल मतलब क्या कि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है और एंगल में कुछ और हो तो उसका कैसे करते हैं, तो चैन रूल के माध्यम से उसको लंबा करते हैं, जैसे चैन लंबा होता है वैसे लंबा करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, जैसे साइन 2x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करो, कैसे करोगे, सबसे पहले इसको हम लोग y बराबर मान लेंगे साइन 2x, इसको मान लिया हम लोग
अब शॉर्टकट तरीका क्या होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका क्या हो जाएगा डी साइन टू एक्स बट्टा डी एक्स। यहाँ पे दिक्कत हो गया जी, देखिए यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में करना है और एंगल में क्या है टू एक्स है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो कैसे करेंगे तो यहीं पे चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल क्या होता है, आ तो जो एंगल में हो उसको नीचे लिखो, फिर नीचे वाले को ऊपर लिखो, और नीचे क्या डी एक्स। अब आराम से बढ़िए, यहाँ पे जो एंगल में वो एंगल में है, कोई टेंशन नहीं है। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और एक्स के स्थान पर क्या है भाई टू एक्स है, आप गुणा है तो गुणा दे दीजिए, आई टू कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा डी एक्स बट्टा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष में एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन होता है या कट भी जाएगा तो क्या हो जाएगा टू आ जाएगा बाहर। ये एक काम करते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं कॉस टू एक्स आई टू है, इसका डिफ्रेंसिएशन वन हुआ, दो एकम दो हो गया, दो को पहले लिखिए और इसको बाद में, या इसका शॉर्ट तरीका भी है चेन रूल है ना, तो चेन रूल पर ना बनाइए। और शॉर्ट तरीका क्या है सेकंड मेथड, इसका देख लीजिए सेकंड मेथड क्या होता है, बहुत आसान तरीका है। साइन टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है तो इसको वाई बराबर हम लोग मान लिए, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, अब क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी साइन टू एक्स अब बटा डी एक्स। तरीका क्या है भाई, बहुत आसान तरीका, साइन का क्या होता है तो कॉस होता है, एंगल में जो हो वह लिख दो, एक्स के पहले कितना से गुणा है दो से गुणा, इसमें दो से गुणा कर दो, हो गया। या तो चेन रूल से बनाओ या शॉर्टकट तरीके से बनाओ। आइए आगे देखते हैं, कुछ इन्वर्स वाला भी सवाल है, इसे इन्वर्स वाला में फॉर्मूला है, इसे साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डी साइन इन्वर्स डी एक्स इसका क्या होता है, इसका होता है वन बटा रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सूत्र होता है, ये सब सूत्र है फॉर्मूला है। अब देखिए साइन के बाद हम लोग को कॉस का डिफरेंशिएशन करना है, तो कॉस इन्वर्स एक्स का क्या होता है, सब यही सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, बस हो तो गया फॉर्मूला। और आइए कॉस के बाद टैन का डिफरेंशिएशन, टैन का क्या होता है आ तो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब चार में कॉट का करना है, देखिए जैसे यहाँ पे आप साइन के जस्ट अपोजिट कॉट का कॉस का किए, उसी तरह टेन का अपोजिट कॉट का करेंगे, सब यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। अब आइए कॉट के बाद किसका करोगे सेक का करोगे, तो सेक का क्या होता है हाँ तो वन बटा एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। अब कोसेक का क्या हो जाएगा आ तो कोसेक का करने के लिए सब यही रहेगा, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बस तो हो तो गया, यही तो होता है कोसेक का, कोसेक इन्वर्स एक्स का। अब इस पर कोई फंक्शन आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको उसके लिए देखते हैं। जैसे कोई फंक्शन आ जैसे एक्स साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, अब इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे कीजिएगा, देखिए ऐसे फलन का डिफरेंशिएशन करने के लिए एक तरीका होता है, वह तरीका क्या है आइलेट, आइलेट एक तरीका है, इसके माध्यम से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये आइलेट क्या होता है, आई मतलब क्या इन्वर्स, आई मतलब इन्वर्स वाले फंक्शन को पहले बनाइए, इसमें जो स्पेलिंग पहले आएगा उसको उसका डिफरेंशिएशन पहले किया जाता है, फिर एल मतलब लॉग का, लॉगरिथम होता है इन शॉर्ट ऑफ लॉग, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन का किया जाता है, उसके बाद टी मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, और लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई के पावर जो एक्स होता है ना उससे रिलेटेड जो बात आता है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इस नियम के अनुसार हम लोगों को पहले किसको रखना है, हम लोगों को पहले देखिए यहाँ पे इन्वर्स, पहले इन्वर्स आया है, पहले इन्वर्स को रखना है और बाद में अलजेब्रिक फंक्शन को रखना है। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं y बराबर, मानेंगे ना कैसे मानेंगे, पहले हम लोग ये इन्वर्स वाले को लिखेंगे, उसके बाद से अलजेब्रिक फंक्शन को लिखेंगे। अब क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हाँ तो देखिए y का dy बाई डी एक्स, और इसका क्या होगा d
साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या होगा, नियम कहता है क्या, यू इंटू भी पर चलाइए, यू इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, क्या होता है भाई, तो यू इज थ्री और भी का डिफरेंशिएशन कर दो और क्या बीच में प्लस का चिन्ह, फिर क्या भी स्थिर और यू का डिफरेंशिएशन कर दो। चलिए तो क्या हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स ये एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, वन होता है, एक्स है तो एक्स और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ लिखे हैं वन बाटा रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर यही होता है। चलिए अब इतना गुणा कीजिए, इतना एकम इतना, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स एकम एक्स अब बट्टा क्या है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इतना ही आंसर हो गया। आगे चाहे तो बट्टा के जोड़ करके बना सकते हैं, तो इस प्रकार आप लोग किसी भी फॉर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।